हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पेपी पर की। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइज, आज मैं एक और 5-स्टार होटल रिव्यू कर रही हूँ, जो कि है होटल रेडिसन ब्लू ग्रेटर नोएडा। और मैंने जो रूम बुक किया है वो है बिजनेस डबल और ट्विन रूम। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं रूम में एंटर होने के साथ ही हमें मिल जाता है एक फुल लेंथ मिरर, जो कि काफ़ी वाइड भी है, जिसमें आप अच्छे से अपने आप को रेडी होते हुए देख सकते हैं। और आज हम शुरू करते हैं अलमिरा से और देखते हैं कि अलमिरा में क्या है। तो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे हमें कुछ हैंगर्स मिल रहे हैं, आयन है, आयन बोर्ड है, इसके साथ ही अ पेयर ऑफ स्लीपर, साथ में यहाँ पे हमें एक सेफ मिल जाती है, साथ ही कुछ ड्रॉर्स हैं, यहाँ पे कुछ ड्राई क्लीनिंग बैग्स हैं, जो कि काफ़ी यूज़फुल हैं अगर आपको अपनी डर्टी लॉन्ड्री देनी है या फिर आपको खुद कैरी भी करना है उनको। और इसके साथ ही यहाँ पे आपको मिलते हैं 2 शू शाइन, जो कि बहुत अच्छा है, मतलब आप ट्रैवल करते हो तो ऐसी चीज़ों की आपको बहुत ज़रूरत रहती है। इसके साथ ही नीचे कुछ और ड्रॉर्स हैं जो कि एम्प्टी हैं, आप अपना स्टफ़ रख सकते हैं यहाँ पे। अलमिरा में स्पेस काफ़ी है, आपके बिग लगेज बैग्स वगैरह भी आप आराम से रख सकते हैं, हैंगर्स पे कपड़े टांग सकते हैं, सो ओवरऑल इट्स गुड। अब बाकी का रूम भी देख लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ और ड्रॉर्स हैं, जो कि मोस्टली एम्प्टी है। और इसके ऊपर एक काउंटर है जहाँ अपने बैग्स वगैरह रख सकते हैं। और ये जो एक पेंटिंग है या डिज़ाइन है, पैटर्न अच्छा लग रहा है रूम में। और ये आ गया आपका एक टी कॉफ़ी स्टेशन, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स की टीज हैं, असम टी, इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी, केटल है, मग्स हैं, ग्लासेस हैं। और ये बार मेन्यू स्टफ़ रखने के लिए होगा, जो कि खाली है, गंदा लग रहा है, थोड़ा साफ़ कर देते तो अच्छा लगता। और ये है नीचे हमारा मिनी फ्रिज। वैसे अब ये खाली रहते तो ज़्यादा अच्छा है, आप बाहर से अपना वो स्टफ़ ला के इसमें रख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। सो गाइस, ये है हमारा रूम। और ये है वो एंट्रेंस एरिया जहाँ से हम रूम में एंटर करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेड के बगल में इन्होंने अच्छा सा वुडन इंटीरियर किया हुआ है, लैंप्स हैं, इसके साथ ही यहाँ पे एक ड्रॉर है, आप अपना कुछ सामान रख सकते हो यहाँ पे। में यहाँ पे इन्होंने रीडिंग लाइट्स दी हैं, जिससे आप किसी को डिस्टर्ब ना करो अगर आप रात में कुछ काम कर रहे हो तो। सो गाइस, आप देख सकते हो ओवरऑल रूम बहुत स्पेशियस है। और अब हम आ गए हैं बेड की दूसरी साइड पे, यहाँ पे है फोन फॉर सर्विस और ये टीवी रिमोट है, जो कि इन्होंने अच्छे से सैनिटाइज करके रैप करके रखा हुआ है। यहाँ पे लाइट कंट्रोल्स, लैम्प और एक ड्रॉर है। सो गाइस, ये आ गया आपका सिटिंग स्पेस, जो कि काफ़ी स्पेशियस है। इसके ऊपर कुछ छोटी छोटी पेंटिंग्स हैं जो कि बहुत अच्छी लग रही हैं। और इसके साथ ही आपको मिलता है एक और सिटिंग स्पेस। तो इसी से आप आइडिया लगा लो कि यहाँ पे 2 सिटिंग स्पेस है और उसके साथ ही एक वर्क स्टेशन भी, तो रूम काफ़ी स्पेशियस है। सो गाइस, ये आ गया हमारी वर्क स्टेशन। इसके ऊपर भी इन्होंने एक मिरर लगाया हुआ है, जो कि रूम को काफ़ी अच्छा वाइब्रेंट फील दे रहा है। और यहाँ पे भी है फोन फॉर सर्विस और ये शायद इनका मेन्यू है। मेन्यू आप इनका स्कैन भी कर सकते हैं अपने फ़ोन से। सो गाइस, अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा व्यू कैसा है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि
कि यहाँ पे जो आपको व्यू मिल रहा है वो सिटी व्यू है, बिकॉज़ ये जो होटल है वो प्रॉपर ग्रेटर नोएडा यानी इनर सिटी लोकेटेड है, आउटसाइड में नहीं है। तो आपको पूरे ग्रेटर नोएडा का व्यू मिल रहा है यहाँ से। अगर आप आई लेवल पे देखेंगे तो आपको बिल्कुल यही अच्छा खूबसूरत व्यू मिलेगा, बट अगर आप थोड़ा सा नीचे देख सकते हो तो आप देखोगे ये एक्चुअली पूल साइड व्यू है। तो आपको ग्रेटर नोएडा की साइड में इसी टाइप का व्यू मिलेगा, मतलब इससे बेटर हो सकता है, इससे बेटर व्यूज़ मुझे और होटल्स में मिले हैं, बट आई थिंक ये शहर में है और इस वजह से हम ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। गाइस ये है प्रॉपर रूम। सो गाइस इस रूम का टैरिफ मुझे पड़ा था तकरीबन ₹4,300, जिसमें ब्रेकफास्ट बुफे इंक्लूडेड है। तो गाइस अब बाथरूम एरिया भी देख लेते हैं, और यहाँ पे हमको मिलता है इंटरटेक बाथटब, थोड़ा छोटा है पर ठीक है। यहाँ भी आपकी टाल रैक, बेसिन एरिया, मैग्नीफाइंग मिरर, और ये आ गई आपकी एमिनिटीज जैसे शेविंग किट, वैनिटी किट, स्विंग किट, डेंटल किट, ये सब चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं। यहाँ पे एक शार्क कैप भी है, इसके साथ ही यहाँ पे एक बायोटिक का बॉडी लोशन है। और यहाँ पे दूसरी साइड पे रखे हैं कुछ टिश्यूज, सोप, नीचे कुछ स्ट्रॉज है। ओके सो इसमें यहाँ पे है रखा है ड्रायर, तो गाइस ओवरऑल बाथरूम बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, जैसे कि रूम बहुत स्पेशियस है बट बाथरूम थोड़ी लिमिटेड स्पेस है, बाथटब भी थोड़ा छोटा है। एक बार अपना शावर एरिया भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको हैंड शावर का ऑप्शन है, साथ में आप देख सकते हो ओवरहेड शावर का भी ऑप्शन है, और इसके साथ ही यहाँ पे कुछ एमिनिटीज रखी हैं। तो ये आ गया आपका बायोटिक ग्रीन एप्पल शैम्पू और कंडीशनर। और ये आ गया आपका टॉयलेट एरिया, यहाँ पे भी एक फ़ोन फॉर सर्विस इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। और ये क्या है? ओके सो ये है सैनिटरी बैग्स। ये चीज़ बहुत अच्छी है, आई थिंक हर होटल में ये चीज़ होनी चाहिए, सैनिटरी बैग्स प्रोवाइड करने चाहिए। सो गाइस ये है एक पूरा रूम का व्यू। तो ये नीचे आप देख सकते हो रिसेप्शन एरिया, और यहाँ से एक फ्लोर ऊपर जहाँ पे मैं हूँ वहाँ से एंट्रेंस है हमारी स्पा और पूल की। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस ये देखिए ये इतनी सुंदर लाइट्स हैं, रात में ये जलती है तो बहुत अच्छी लगती हैं। मैं आपको दिखाऊंगी रात की फुटेज भी, और ये आप दूसरी साइड से व्यू देख सकते हैं। गाइस ये रास्ता है पूल के एंट्रेंस के लिए, स्पा के एंट्रेंस और जिम के एंट्रेंस भी यही है। पे दूसरी साइड पे आप देख सकते हो इन्होंने काफ़ी प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं, तो थोड़े बहुत पत्ते पड़े हैं पूल में, आई थिंक थोड़ा क्लीनिंग वगैरह नहीं हुआ है, बट ओवरऑल दिखने में अच्छा लग रहा था ये।
ये है हमारे पूल की एंट्री। ये वही व्यू है जो मेरी रूम से दिख रहा था। पूल इस टाइम पे क्लोज्ड है, बट आप यहाँ पे जा सकते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंट्री नहीं है पूल में, बट आप बाहर बैठ सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के डेप्थ के पूल्स हैं, तो अलग अलग जगह पे हैं। और ये वही व्यू है जो रूम से आ रहा था। तो यहाँ पे 5 फीट वाला पूल है, बट कोविड की वजह से आप किसी भी पूल में नहीं जा सकते हैं, आप डेक एरिया पे बैठ सकते हैं, बट पूल में जाने का अपना मज़ा होता है। गाइस पूल एरिया इनका अच्छा लगा मुझे, काफ़ी डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पूल, साइजेस के पूल, डेप्थ के पूल, सो डिफरेंट डेप्थ के पूल्स हैं यहाँ पे। और काफ़ी स्पेशियस है डेक एरिया भी, और इसके पीछे एक थोड़ा सा चेयर्स पड़ी हुई हैं, आप यहाँ पे बैठ सकते हो आराम से। तो गाइस यहाँ पे इन्होंने कुछ ओवल चेयर्स डाली हुई हैं, मैं भी इस पर बैठ गई थी, और व्यू दिखा देती हूँ बैठने के बाद। और यहाँ पे पीछे है इनका ये, आई थिंक यहाँ पे ओपन रूफ पार्टीज़ वगैरह के लिए ये जगह यूज़ होती होगी। पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है, थोड़ा सा व्यू है सिटी का। तो गाइस ये है रात में व्यू, और आप देख सकते हो कि ये एरिया जो है वो बहुत अच्छा है। आप रात में यहाँ पे थोड़ी देर आके बैठ सकते हैं, इतनी अच्छी लाइटिंग्स है, फाउंटेन्स हैं, तो आप ओवरऑल यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो। और ये एरिया जो है इनका रिसेप्शन के बिल्कुल बगल में है, तो आप नीचे जब डिनर करने भी आएंगे या फिर आप दिन में भी हो तो आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, थोड़ी देर खुली हवा ले सकते हैं। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं यहीं पे सुबह ब्रेकफास्ट बुफे या डिनर बुफे होता है। ये वही लाइट्स हैं जो मैंने आपको अभी पहले दिखाई थी, दिन में कैसी लग रही थी और रात में कितनी सुंदर लग रही है। सो गाइस फॉर द प्राइस ऑफ ₹4,300 मुझे मेरा स्टे एवरेज लगा। आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि आप और बेटर ऑप्शंस देख सकते हैं, बिकॉज इस प्राइस में आपको और ऑप्शंस भी मिलेंगे जो कि इससे बेटर है। द रूम वॉज डेफिनेटली बिग एंड नाइस, बट बाकी चीज़ें ओवरऑल ओके। सो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट टू लुक फॉर अदर ऑप्शन, आप कुछ और भी देख सकते हो। सो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।